नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बर्मिंघम के पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेता खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, तो पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कॉमनवेल्थ में 22 गोल्ड समेत 61 मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा पदक आए हैं। आपको बता दें कि बर्मिंघम रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मिलने का वादा किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत के खिलाड़ियों ने सभी खेलों में कुल 61 पदक जीते हैं और इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस बार पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा पदक भारतीय एथलीटों ने रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। बर्मिंघम में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों ने दिखाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और ऐसे में जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था जाने से पहले, और अब देखिए, अब जब पदकवीर वापस आ चुके हैं, मुख्यमंत्री यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, अपना वादा पूरा किया। अपनी उन्होंने जो पहले कहा था कि वो जरूर मुलाकात करेंगे इन बच्चों से, और देखिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ये खिलाड़ी वापस देश लौट आए हैं। जिस तरह से इन्होंने देश का मान बढ़ाया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है बर्मिंघम में। जिस तरह से इन सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और ये देखा गया कि किस तरह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो बाकी दूसरे के देशों के जो खिलाड़ी हैं उन पर किस तरह से भारी वो पड़े हैं, ये साबित हुआ है। 61 पदक भारत की झोली में आए हैं, कई गोल्ड मेडल यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। तो पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, उनसे मुलाकात की और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले ही इन सभी खिलाड़ियों के कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो इन सभी से मुलाकात करेंगे, और देखिए अपना वादा पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं।